सो हे माई लवली यूट्यूब फैमिली, इट्स मी चावली, वेलकम बैक टू अवर अनदर ब्लॉग। सो आजकल ये अपने कार्बोनेटो वाला ड्रॉप लेग पाउच काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है। कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप खोल के देख लीजिए, इसी का ही एड आपको दिखने को मिल रहा है। एंड या बहुत सारे बाइकर्स को भी मैंने देखे हैं ये कैरी करते हुए। सो क्या आपके भाई ने भी मंगवा लिया? लेकिन ऑर्डर करने से पहले मैं काफी कंफ्यूजन में था कि ये दोनों में से कौन सा लू और मेरे लिए कौन सी सूटेबल होगा। सो मैंने बहुत सोच समझ के मैंने ये वाला खरीद ली। और ये दूसरा वाला मेरा दोस्त का है, इस मॉडल का नाम है टर्टल और इसका है वेक्टर। सो आप लोगों को ये कार्बोनेटो वाला बैग अगर खरीदने में कंफ्यूजन हो रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक। ये दोनों ड्रॉप लेग पाउच में से आपके लाइफस्टाइल के लिए कौन सी सूटेबल होगा आपको क्लियरली समझ में आ, कौन सी सूटेबल होता है लास्ट तक आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। और हाँ गाइस, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। सो पहले अपने कार्बोनेटो टर्टल ड्रॉप लेग पाउच से स्टार्ट करते हैं। सो ये बैग 600D रिवर्स फैब्रिक मटेरियल से बना हुआ है। इसका अपर सेल EVA हार्ड सेल से बना हुआ है। EVA का फुल फॉर्म नीचे लिखा हुआ आ रहा है, पढ़ लो। इसमें आपको दो कंपार्टमेंट दिखने को मिलता है। इसका मेन कंपार्टमेंट रबराइज वाटर जिपर से बना हुआ है, पर ये दूसरा चेन में रबराइज वाटर जिपर नहीं है। इस बैग का कैपेसिटी 5 लीटर है। इसे आप इस तरह लेग में पहन सकते हैं। इसका वेस्ट एडजस्टेबल स्ट्रेप होने के कारण आप इसे क्रॉस बॉडी स्लिंग और शोल्डर में भी पहन सकते हैं, इस ट्राई स्टेप को रिमूव करके। सो आप अपने देखते हैं ये दोनों कंपार्टमेंट में क्या क्या दिखने को मिलता है। सो मेन कंपार्टमेंट में दो पॉकेट दिखने को मिलता है। पॉकेट ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, पर इसमें दो मोबाइल वॉलेट, डॉक्यूमेंट्स और बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ आप रख पाएंगे। फिर आगे वाला कंपार्टमेंट में मल्टीपल कंपार्टमेंट विथ मेश पॉकेट दिए गए हैं ताकि आप इजीली ऑर्गेनाइज कर सके। की थीटर भी दिए गए हैं। इधर आप सनग्लास, पावर बैंक, ईयरबड्स एंड बहुत सारे इजी एक्सेस प्रोडक्ट रख सकेंगे। इधर नीचे कार्बोनेटो का ब्रांडिंग दिखने को मिलता है। दोनों साइड रिफ्लेक्टर दिए गए हैं। तो इस बैग में आपको टोटल 7 डिफरेंस कलर दिखने को मिलता है, ग्रे, स्लेट, ब्लैक कैमो, डीप ब्लू, स्पेस ग्रे, रेसिंग रेड एंड ब्लैक। इसका MRP है 1290 रुपीज। और ये वाटर प्रूफ नहीं है, वाटर रेजिस्टेंस है, थोड़ी बहुत हल्के फुल्के पानी को ये झेल सकता है। और अब अपने आते हैं इस लेग पाउच में। इसका मॉडल का नाम है कार्बोनेटो वेक्टर, जो कि दिखने में थोड़ी सी बड़ा है टर्टल से। ये बैग भी 600D रिवर्स मटेरियल से बना हुआ है, विथ ट्विल नायलॉन फैब्रिक, सुपर टफ इनहेरेंट प्लास्टिक एंड ट्विल पॉलिएस्टर लाइनिंग, हाई ड्यूरेबिलिटी एंड रिंकल रेजिस्टेंस से बना हुआ। इसमें हार्ड सेल नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसमें लार्जर पाउच विथ डीप पॉकेट दिखने को मिलता है, जो कि सच्ची में काफी लार्ज है और भीतर कोई दूसरी पाउच नहीं दिया है। फ्रंट में वेलक्रो पाउच दिखने को मिलता है फॉर क्विक एक्सेस हरी, जो कि मेरी ये बड़ी सी हाथ इजीली चली जाती है। फिर स्मॉलर जिपर पाउच मिलता है फॉर स्मॉलर आइटम्स, और ऊपर की तरफ आपको एक छोटी सी वेलक्रो पाउच मिल जाती है फॉर ईयरफोन केस, कॉन्टेक्ट लेंस अगर आप यूज करते हैं तो, पर मैं तो यहाँ पे चिल्लर रखूंगा। इस बैग में मेश पॉकेट दिखने को नहीं मिलता है, पर की टीटर दिए गए हैं। इसे भी आप लेग में पहन सकते हैं। इसका वेस्ट भी एडजस्टेबल होने के कारण आप इसे क्रॉस बॉडी स्लिंग और शोल्डर में भी पहन सकते हैं। इसका भी थाई स्ट्रेप खुल जाता है। साइड में कार्बोनेटो का ब्रांडिंग दिया गया है। और इस बैग में भी आपको टोटल 5 कलर्स दिखने को मिलता है, ब्लैक, ग्रे, ब्लैक केमो, रोज केमो, डीप ब्लू। इसका MRP है 990 और ये वाटर प्रूफ है। दोनों ही ड्रॉप लेग पाउच यूनिसेक्स है, कोई भी यूज कर सकता है। सो गाइस, दोनों ही ड्रॉप लेग पाउच काफी बढ़िया है। पूरे वीडियो को देख के आशा करता हूँ आपकी डाउट क्लियर हो गए होंगे, कौन सी लेनी है, टर्टल या वेक्टर, समझ में आ गए होंगे। सबकी अपनी अलग अलग नीड्स है, आप अपने नीड्स को सोच के खरीद लीजिएगा। सो अगर वीडियो देख के आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज हिट लाइक्स एंड कमेंट कर दीजिएगा। आपकी लाइक्स एंड कमेंट से मेरे यूट्यूब एल्गोरिदम में फर्क पड़ता है। और अगर चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए सायोनारा।